नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। धर्म की नगरी प्रयागराज के संगम तट पर हर साल लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सालाना धार्मिक आयोजन माघ मेला 6 जनवरी से पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ शुरू हो गया है। साथ ही संगम की रेती पर एक महीने तक चलने वाले कल्पवास की भी शुरुआत हो गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में माघ मेला शुरू, एक महीने का कल्पवास भी हुआ शुरू। श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पुण्य की डुबकी। संगम की रेती पर बसा तंबुओं का शहर। सुरक्षा के किए गए खास इंतजाम। धर्म की नगरी प्रयागराज के संगम तट पर हर साल लगने वाला दुनिया का सबसे बड़े सालाना धार्मिक आयोजन माघ मेला 6 जनवरी से पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ शुरू हो गया है। साथ ही संगम की रेती पर एक महीने तक चलने वाले कल्पवास की भी शुरुआत हो गई। हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ पुण्य की डुबकी भी शुरू हो गई। बता दें कि एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का संगम पर पहुंचने का सिलसिला चालू हो गया था। माघ मेले के कुल 14 स्नान घाट बनाए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही श्रद्धालुओं को मेले में प्रवेश दिया जा रहा है। सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। ये आदि काल से होता हुआ चलाया है, हमारे ऋषि मुनि हजारों करोड़ों वर्ष पहले से करते चले आए, उसी का हम लोग अनुकरण कर रहे हैं। हम लोग सीतापुर से आए हैं और आज संगम तट पर अपने पुत्रों के साथ आए स्नान करेंगे। और आज से मांग बात की एक महीने के स्नान है, 6 तारीख से शुरू है, 6 जनवरी से और 5 फरवरी तक अनवरत चलेगी। लोग मुख्य मुख्य स्नान पर यहाँ आते हैं संगम पर, बाकी जो जिसका पड़ाव जहाँ पे वो वहाँ पे रुकता है, अपने स्नान करता है और वही संकल्प पंडा वगैरह देता दान करता है। में क्या आपने संकल्प लिया किसी जी के संकल्प भाव दक्षिणा देंगे, पंडा को पूर्ण करेंगे, अपने घाट पर भी जाएंगे, छौर कर्म भी करवाएंगे हम लोग जी। और सुबह शाम और कभी कभी हम लोग त्रिकाल स्नान भी करते हैं। दरअसल भीषण ठंड और कोहरे के बीच माघ मेले के प्रथम स्नान का श्री गणेश पौष पूर्णिमा से हो गया। गंगा, यमुना और अध्यक्ष संगम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सर्व सिद्धि योग में पुण्य की डुबकी लगाई। मेले में सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। पौष पूर्णिमा डुबकी के साथ कल्पवासियों का मास पर्यंत चलने वाला अनुष्ठान शुरू हो गया है। मेले के लिए संगम की रेती पर अलग से तंबुओं का शहर बनाया गया है। महत्व इसका यह है भैया, हमारे पुराने आजा बाबा जो संस्था से बहुत दिन से काफी से अन्य क्षेत्र है, ये चल रहा है अन्य क्षेत्र, इसको बोलते हैं। जितने श्रद्धालु लोग हैं यहाँ पे आते हैं, पौष पूर्णिमा नहाते हैं, एक महीना कल्पवास ये लोग करते हैं, एक महीना कल्पवास करते हैं लोग। जितने गरीब हैं, दुखिया हैं, ब्राह्मण हैं, सबको दान दक्षिणा करते हैं, जाके टेंट बाड़ा पे जो ब्राह्मण पंडित पंडा लोग हैं, टेंट महत्व बहुत ज़्यादा है। आज के दिन महत्वपूर्ण है इसका दान, आज सभी को दान धर्म करते हैं, अपना पाप ग्रह से पराजित होते हैं ये लोग, जाके फिर एक महीना बाद अगले पूर्णिमा के दिन माघ के लास्ट पूर्णिमा के दिन अपने घर के लिए प्रस्थान होते हैं। गौरतलब है कि योगी सरकार ने इस बार के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर इस बार के मेले में खास तैयारियां की जा रही हैं, कई नई व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं, कई प्रयोग किए जा रहे हैं और साथ ही श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो चुका है और बड़ी संख्या में माघ मेला क्षेत्र में संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार श्रद्धालु और जो कल्पवासी यहां पर प्रवास कर रहे हैं लगातार स्नान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी शीतलहर है, शीतलहर और धुंध के बाद भी टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी लगातार स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या है। इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुगम आवागमन देने के लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं, पुलिस के सारे बंदोबस्त किए गए हैं जिससे कि उनको पार्किंग की व्यवस्थाएँ मेला क्षेत्र के अंदर की गई है जिससे कि उनको पैदल कम से कम चलना पड़े, जो जब स्नान करें तो उनको सुरक्षित स्नान मिले इसके लिए रिवर लाइंस और डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही फ्लड कंपनीज के जवान, एसडीआरएफ की टीम्स और एनडीआरएफ की टीम्स भी जल में मौजूद है और लगातार नजर रखी हुई है। श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रशासन के पुलिस के सभी अधिकारी लोग इस बात के लगे हैं कि श्रद्धालुओं का जो अनुभव है अच्छा अनुभव हो, तो पूरी व्यवस्था
व्यवस्थाएं अपनी जगह चाक चौबंद है। मेला क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत करने का संदेश देती हुई तमाम होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। हालांकि बर्फीली हवाओं के साथ पड़ रही कड़ाके की जबरदस्त ठंड श्रद्धालुओं का कड़ा इम्तिहान ले रही है। बात करें सुरक्षा की तो गंगा की धारा में स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए गोताखोर भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जल पुलिस, पीएसी के जवान, घोड़सवार पुलिस, एटीएस और ड्रोन कैमरे से भी पूरा मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। ये माघ मेला महाशिवरात्रि तक चलेगा। मेले में इस बार संत सम्मेलन और वीएचपी की धर्म संसद का भी आयोजन होगा, जिसमें लव जिहाद, गंगा प्रदूषण और धर्मांतरण समेत कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस